त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। त्योहारों के सीजन में आप भी बनाइए ये रंग बिरंगी नारियल की बर्फी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिमरन किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं 800 ग्राम दूध ले रही हूँ। इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। मैंने फ्रेश मिल्क लिया है। ये मैं साथ ही में हरी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसका बॉयल होने तक वेट करेंगे। तब तक मैंने ये एक प्लेट ले ली है, उसमें मैं ये 300 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ, नारियल, सूखा नारियल। आप इसकी जगह फ्रेश नारियल भी ले सकते हो, उसको कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हो। अब मैं शुगर लूँगी, ये भी मैं ये वाला एक कप ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम और ज़्यादा। ये मैं मिठाई में यूज़ करूँगी कुछ कलर्स। ये एक चुकंदर का यूज़ है, एक लाइम जूस है, एकदम फ्रेश है। ये मैंने ग्रीन वाला जो है फूड कलर यूज़ किया है, और ये वाला चुकंदर का यूज़ ही है। इसमें ये वाला हमारा जो है नारियल का फ्रेश नारियल है, उसको मैंने कद्दूकस करके जूस में डाल दिया, तो ये ऐसा कलर आ गया है। ये हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। हमारा दूध जो है वो बॉयल हो रहा है, ये देखिए। ऐसे इसको बीच बीच में चलाते रहना है ताँ जो ये नीचे ना लगे। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब हम एक छन्नी की सहायता से इसमें से इलायची निकाल लेंगे, ये देखिए। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर ऐड करने के बाद 5 से 10 मिनट तक ऐसे इसको चलाते रहेंगे और बॉयल आने तक वेट करेंगे। दूध में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालूंगी। डेसिकेटेड कोकोनट को डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है और अब उबाल आना शुरू हो गया। इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे ऐसे। हम इसको बिना मावा के बना रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा सूखा दूध ऐड कर रही हूँ। ये मिल्क पाउडर है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताँ जो आगे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। इससे जो है कि हमारी बर्फी अच्छे से जुड़ जाती है और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। ऐसे इसको अच्छे से मिला लेना है। अब मैं इसको हाथ से पकड़ के देख लूँगी कि क्या ये जुड़ रही है। हमारा मिक्सचर बनके एकदम रेडी है। हम कलरफुल बना रहे हैं, तो मैं इसमें से ये वाइट वाला पोर्शन थोड़ा निकाल लूँगी, वाइट मिक्सचर थोड़ा निकाल लूँगी।
बाकी में हम कलर ऐड करेंगे। ये मैंने ट्रे ले ली है, इसमें अच्छे से मैं घी लगा लूँगी ताकि जो हमारी बर्फ़ी नीचे चिपके ना। आप इसमें बटर पेपर लगा के फिर भी घी लगा सकते हो, अभी मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं यूज़ कर रही। हमारी वाइट वाली लेयर बन गई है, अब मैं इसमें से थोड़ा सा और निकाल लूँगी मिक्सचर येलो कलर के लिए। अब मैं इतने में बीटरूट का जूस डाल रही हूँ, ये एकदम फ्रेश जूस है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में तो और भी स्वादिष्ट होगा। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में अब मैं रेस्ट जो हमारा बचा हुआ मिक्सचर था वो डाल रही हूँ। इसमें हम एक अलग से कलर ऐड करेंगे। ये मैं इसमें लाइम कलर ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई और भी ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए येलो कलर कितना अच्छा दिख रहा है। और ये दो प्रकार की मिठाई बहुत ही बढ़िया बनती है, एकदम बाज़ार से डिफरेंट बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करना मेरी इस रेसिपी को, बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम इसको दूसरी लेयर बनाते हैं। ये मैं बीटरूट वाली दूसरी लेयर बना रही हूँ। देखिए मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, एक तरफ मैंने बीटरूट और वाइट रखी है, एक तरफ लाइम और बीटरूट रखा। आफ्टर फ्रीज 2 to 3 hours ये देखिए बर्फ़ी अच्छे से जम गई है। अब हम इसके पीसेस बनाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है दो कलर की बर्फ़ी। ऐसे हम इसके सारे पीसेस निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सारे पीसेस निकाल लिए हैं। अब हम इस पर सिल्वर वर्क लगाएंगे। ये देखिए इससे मिठाई जो है देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और शेयर कीजिए।